स्वागत करता हूं फिर से एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम जयपुर के अंदर मुहर्रम के बारे में बताएंगे। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब मुहर्रम के बारे में जानकारी देंगे, कैसे कहां कहां बड़े बड़े ताजिए बने और किस तरह से बने, पूरी जानकारी लेंगे और आपको पूरी जानकारी के अंदर डिटेल में समझाएंगे इस वीडियो के अंदर। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ताजे कम से कम 60 साल से बना रहे हैं। इसको बनाने में पूरे 11 महीने लगे। परंपरा तो बनाने की प्रेम के जमाने से चल रही है। प्रेम के जमाने से ताजेदारी चल रही है। नाम हिंदी दे रहे इमाम अली मकान की शहादत में बनाया जाता है। जंगे करबला जो हुई थी इमाम अली मकान की शहादत के बाद उसके बारे में ही ये शहादत के बनाई जाती है। आशूरे का दिन जिसको कहा जाता है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जयपुर में पूरी दुनिया में दिन आज का 10 तारीख का मनाया जाता है। नोबंदी का साथ बनाने में कम से कम हमारे 80 से 100 आदमी लगे हुए थे। जी हाँ, आप खुशी में बता दूंगा पब्लिक का अच्छा इंतजाम है, पुलिस का अच्छा ऑपरेशन है और खुद सहयोग करते हैं पुलिस का प्रशासन का। इसमें लागत कम से कम 3.5 लाख रुपए होगी। ये जो ताजी आप देख रहे हैं बगरू वालों को फार्म की ओर से ये बनाया गया ताजिया, आप देखते हो किस तरीके से ये ताजिया बनाया गया और काफ़ी मेहनत बनने के बाद ये ताजिया तैयार हो। एक साल लगता है, कम से कम 1 से 8, 11 से 9 महीने ताजिया लगते हैं बनने के अंदर। उस तरीके से काफ़ी मेहनत लगने के बाद ये ताजिया तैयार हो। आइए आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे, इस बारे में देख सकते हो। ये काफ़ी बाहर ही निकल चुका था, मैं काफ़ी देर से इस ताजिया का वेट कर रहा था। क्या है क्योंकि ये जो चांदपुर का पहला ताजिया था जो इतना बड़ा ताजिया था, काफ़ी बड़ा ताजिया था, तवायक फान का की ओर से पेशकश की गई थी। तवायक देश तो काफ़ी खूबसूरत ताजिया बनाया गया था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये ताजिया बनाया गया था। ये मुहर्रम की 10 तारीख को ही निकलता है और मुहर्रम की 9 तारीख को ताजिया निकलता है। इस तरीके से काफ़ी मेहनत करने के बाद काफ़ी खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। वीडियो में देखने के लिए आप देखते हैं कैसा काफ़ी खूबसूरत मंजर है। यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर है और यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए, ताकि किसी को कोई परेशानी उठानी ना पड़े। आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। आइए, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।